हाय गाइस, वेलकम टू सर्किट ट्रेडर्स। सर्किट ट्रेडर्स के अंदर मैं कौशिक सरकार आपके साथ टुमारो निफ्टी प्रेडिक्शन यानी कि वेडनेसडे को निफ्टी का स्थिति क्या रह सकता है ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बार आपको दिखा देते हैं, बात कर लेते हैं कि कल के दिन पे हमने क्या लेवल आपको सब इंपॉर्टेंट बताए थे। तो यहाँ पे आज का हम चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट का निफ्टी का, राइट। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमने लेवल दिया है कि 15,600 15,676 इस तरीके से मैं लिख कर देता हूँ, है ना। और 15,781 और मैं लेवल दिया था 15,878, राइट। क्या क्या बताया गया था, ये हमारा फर्स्टली सपोर्ट है, ये हमारा दिन का स्टैंडर्ड लेवल है और ये हमारा आज का दिन का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए, ठीक है। तो लेवल कहाँ पे बनता हुआ दिखाया था, 78। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, 878 लगभग इस जगह पे 878 बन रहा है। तो आप इस लेवल को देखिए आज मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है। ओके, हमेशा क्या करता हूँ, सपोर्ट पे आपको ग्रीन कैंडल देख के बाइंग एंट्री लेना है। इस लेवल से ऊपर चला जाता है तो बेहतरीन कॉल साइड बन जाता है, इस लेवल से नीचे आ जाता है तो आपको पुट साइड बन जाता है, दैट्स ऑल। अगर कोई आपको पहले से एक दिन पहले ये लेवल आपको दे देता है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन ट्रेड कोई बन सकता है। तो चलिए गाइस, अगेन वेलकम टू सर्किट ट्रेडर्स। टुमारो कैसे होगा, क्या लेवल होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ में बैंक निफ्टी का लेवल भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट के साथ मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी का सहारा से ट्रेड करने की जरूरत होगा। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे कल के लिए मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। और आज का सिनेरीज और कल का सिनेरीज जैसे आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, एक्सपायरी डे के लिए ना एक बेहतरीन ट्रेड आपके लिए इंतजार कर रहा है। क्या लिखा हूं, एक बेहतरीन ट्रेड आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। व्हाई, इसलिए तो देखिए आज का दिन और कल का दिन, दो दिन हम क्या देख पा रहे हैं, एक रेंज के अंदर बिलोंग किया है। हमने थंबनेल पे, अगेन बता रहा हूं, हमने थंबनेल पे एक्सपायरी डे का चर्चा किया हूं जो कि एक दिन पहले से। वजह क्या है, वजह यही है, शुक्र कीजिए कि कल का दिन भी रेंज बाउंड में रह जाए। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, रेंज बाउंड रहेगा तो हमारा बाट लग जाएगा। दोस्त बाट नहीं लगेगा, जो समझदार लोग हैं वो बॉटम पे बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस पे बाई करेंगे। व्हाट इज मीन्स, बॉटम पे सीई बाई करेंगे और रेजिस्टेंस पे पीई बाई करेंगे, ओनली ऑन सिंगल कंफर्मेशन। ज्यादा कुछ भी नहीं आता है तो ओनली ऑन सिंगल कंफर्मेशन पे भी आपको ट्रेड मिलेगा। तो मैं अक्सर क्या बताना चाह रहा हूं, मैं इतनी बातों के अंदर क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं इतनी बातों के अंदर यही बताना चाह रहा हूं, अगर इसी रेंज के अंदर रह जाता है और थर्सडे के दिन हमारे को इस रेंज ब्रेक होता है अपसाइड या डाउन साइड, तो आपको ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा दोस्त, ह्यूज प्रॉफिट। ओके, वहां पे आपको 20 रुपीज का चीज मिनिमम मिनिमम मैं अबव 150 देखूंगा। 20 रुपीज का कोई सीई हो चाहे पीई हो, अबाउट 150 देखूंगा। चलो गाइस, तो कल के लिए जो मैं लेबल यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको चर्चा कर रहा हूँ और ओवरऑल जो पिक्चर मैं आपको ड्रॉ कर दिया हूँ और किस तरीके से कौन सी कॉल कौन सी पुट लेना है। जिन्होंने शुरू का 1-2 मिनट देख के भाग जाते हैं उनको नहीं समझ में आएगा, मैं लास्ट टाइम पे ये जरूर बताऊंगा कौन सी कॉल कौन सी पुट का क्या रेंज रहेगा। ओके, देखिए निफ्टी के लिए कल के लिए स्टैंडर्ड लेवल रहेगा मेरा 15,750। कहाँ पे जा रहा है, इस जगह पे 15,750, राइट। मैं रेजिस्टेंस का क्या बात कर रहा हूं, तो कल के लिए मैं जो रेजिस्टेंस का बात करूंगा वो रहेगा 15,840। ओके, 840 का बात कर रहा हूं, ठीक है, जो कि लगभग इस जगह पे जा रहा है, राइट। जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं वो मैं किसका बात कर रहा हूँ, 15,640 कहाँ पे जा रहा है दोस्त, इस जगह पे जा रहा है, 15,640। अब इसके बीच में ट्रेडिंग फिर कैसे बनेगा, देखो ग्लोबल मार्केट ह्यूज गैप डाउन हुआ था, समझ में आ रहा है, ग्लोबल मार्केट ह्यूज गैप डाउन हुआ था, फिर भी इंडियन मार्केट उतने गैप डाउन नहीं हुआ है, बिकॉज कारण क्या है, कल का थंबनेल क्या था दोस्तों, जल्दी मेरे कहने से पहले अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं आपके लिए एक थंबनेल जरूर देना चाहता हूं, चाहे आप लोग थंबनेल दे या ना दे। कल का मार्केट जो निफ्टी का थंबनेल था वो बहुत क्लियर था कि बॉटम से रिकवरी का कोशिश कर रहा है, बॉटम से, और वही बात मैं आज भी कहूंगा, और वो बॉटम कब और कैसे ब्रेक होगा ये भी मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वीडियो मेरा 2 मिनट का लंबा हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे ना
इस जगह पे कैसे बाइंग करना है ये तो मैं कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा हूँ कि सपोर्ट पे मिल जाता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे बाइंग करूंगा, उसी ग्रीन कैंडल नीचे आपको स्टॉप लॉस बनेगा, इस रेजिस्टेंस पे मिल जाता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, हमने सेल करना है यानी कि पीई बाई करना है और उसी कैंडल का हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाना है। खुद से ट्रेड करके देखो ना, क्यों क्यों नहीं आपके अंदर आपको दम आता है, आपके अंदर आपको बिलीव नहीं आता है, क्योंकि आपके अंदर वो एक्यूरेसी नहीं है। अब इन्हीं चीजों के माध्यम से आप देखो कुछ दिन खुद से ट्रेड करके, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया कल के दिन में निफ्टी का किस तरीके से हमने ट्रेड करना है, और ग्लोबल मार्केट कंटिन्यू गैप डाउन हो रहा है फिर भी इंडियन मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और ये सपोर्ट कैसे ब्रेक होगा, ब्रेक होगा या यहाँ से रिकवरी होगा, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। चलो उससे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या चार्ट है। तो साथ में मैं बैंक निफ्टी का चार्ट पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं कल के दिन पे क्या डिस्कस किया था और आज क्या होता हुआ दिखाई दिया, इसका एक बार देख लेते हैं एक नजर। तो हमने कल के दिन पे जो डिस्कस किया था, ये लेवल हमारा सामने है, हमने बताया थे कि सपोर्ट जो है फर्स्टली सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी का बनेगा 33,150, रेजिस्टेंस जो बनेगा 33,717 716। ओके, और आज बैंक निफ्टी का यहाँ पे हम देख पा रहे कौन सी लेवल जाता हुआ दिख रहा है ना, जो हाई गया था वो हाई गया था आपको 614, और जो डाउन आया है आपको 130, 130 मिल रहा है, 150 हमने ये सपोर्ट बताया था, 130 तक आप डाउन आया है, 716 हमने रेजिस्टेंस बताया था और 650 के करीब तक हाई गया, यानी कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूमता रहा है। अब कल का दिन का जो लेवल हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ये लेवल अगर आपको मिल जाता है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, इस लेवल के बीच में ट्रेड कीजिए, किस जगह पे कॉल पुट लेंगे ये मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे 33,081, 33,081 देखो एक सिमिलरली चीज आपको दिखता हुआ नहीं मिल रहा है, पिछले दिन का लो यहाँ पे था, आज का लो यहाँ पे है, और कल का लो का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी सीढ़ी ही डाउन होता हुआ दिख रहा है ना। ओके, तो 33,083 हमारा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस क्या है 33,578, 33,578। ओके, 578 लगभग यहाँ पे, यानी कि हाई डाउन पे शिफ्टिंग हो रहा है, लो और डाउन पे शिफ्टिंग हो रहा है, चलो ऐसे ही मान लेते हैं 33,578। ठीक है ना, मुझे अगर इस लेवल को ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा तो मैं अच्छा से पूर्व साइड में जाऊंगा, इस लेवल को ब्रेक अप साइड में होता हुआ दिखाई देगा तो भी मैं अच्छा तरीके से कॉल साइड में जाऊंगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड लेवल क्या है, स्टैंडर्ड लेवल है आपको 33,350, 33,350 बिल्कुल जहां पे क्लोजिंग हुआ है ना, नियरेस्ट पॉइंट 33,350। इसके आगे कुछ भी नहीं करना है आपको, ये लेवल लिख लेना है, और जब मार्केट ओपन हो जाता है एक कॉपी में ना इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, जो सर्किट ट्रेडर्स ये चीजें बताए थे, हमने इस जगह पे इस कॉल को लेना है, इतने पॉइंट का टारगेट लेना है, कितने पॉइंट का टारगेट, हमेशा मैं आपको डिसिप्लिन समझाया हूँ कि ऑप्शन में 10% फर्स्टली टारगेट, स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस, सेकंड टारगेट 20-30%, रूल को मान के चलिए, डिसिप्लिन के साथ मार्केट में चलिए, पैसा बनेगा मार्केट में। ठीक है ना, ओके, तो आपको बाइंग एंट्री पॉइंट बन रहा है कहाँ कहाँ पे, और पुट का बाइंग एंट्री पॉइंट बन रहा है कहाँ कहाँ पे, और यहाँ पे बन रहा है सी का बाइंग एंट्री पॉइंट। हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, प्लीज दोस्त अगर समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हमें ये चीज क्लियरली समझ में आ रहा है। अब मैं देखो, अब मैं टेक्निकली चल रहा हूँ, जो टेक्निकली मार्केट का सिनारिस क्या है। ओके, अगर इतना देर आपने देखे हैं तो जरूर आपको हक बनता है कि टेक्निकली मार्केट क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये सपोर्ट लेवल है ये कितनी बार टच किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, इस सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी ने 3 बार टच किया है, और इसके नीचे लो कहाँ पे बन रहा है बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा और मैं जूम इन कर रहा हूं, मुझे जो इसका नीचे का जो लो दिख रहा है वो मुझे इस लेवल को ब्रेक होने के बाद, कौन सी 33,100 और 33,000 लेवल को ब्रेक होगा, तो मैं एक्सपायरी के दिन तक 500 पॉइंट का डाउन साइड का एक्सपेक्ट करूंगा, 500 पॉइंट का डाउन साइड एक्सपेक्ट करूंगा दोस्त, 33,000 को अगर ब्रेक कर दिया तो समझ में आया बड़ा मोमेंटम कैसे मिलेगा मार्केट में। ओके, बट जब तक ना 33,000 को ब्रेक कर रहा है तब तक मैं डाउन साइड में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहां से मार्केट रिकवरी होने का भी चांसेस बन जाता है। जब मैं बैंक निफ्टी का दिग्गज शेयर्स को देखा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक, तो इनमें कोटक बैंक का चार्ट बहुत अच्छा है, कोटक बैंक का चार्ट बहुत अच्छा है, बाकी जो सिनारीज है बिल्कुल बॉटम पे, किसी ने ग्रीन कैंडल बना रहा है, किसी ने रेड कैंडल बना रहा है, तो ये एक दुविधाजनक स्थिति बना रहा है। ठीक
ठीक है, तो मैंने इस लेवल का इंतजार करूंगा, इससे पहले कोई ट्रेड नहीं लूंगा। और जो 2 दिन का हाई लो है इसको मैं मार्किंग करके रखूंगा, इसका अकॉर्डिंग जो मैं बताया हूं इसी तरीके से मैं भी ट्रेड लूंगा। ओके, और निफ्टी का भी हमने ऑन डे का टाइम फ्रेम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियोज है। तो देखिए निफ्टी का जो बॉटम है ना, इसे कितनी बार टच किया है, कई बार टच किया है, कई बार टच किया है, और बॉटम लेवल से नीचे, बॉटम लेवल से नीचे क्लोजिंग दे रहा है, ये खतरा चीज है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो बॉटम लेवल से ऊपर एक क्लोजिंग दे रहा है, राइट ना। तो दोनों तरफ के लिए आप तैयार हो जाइए, मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तभी आपने ट्रेडिंग करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तभी आपने ट्रेडिंग करना है। एक्सपायरी दिन में बहुत झकास ट्रेड मिलेगा आपको, झकास ट्रेड। ओके गाइस, तो कल का दिन मैं मार्केट में एक्टिव नहीं रहूंगा, और इस वीक में नेक्स्ट जो 3 डेज है, ये 3 डेज मैं मार्केट में नहीं रह पाऊंगा। तो गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करते रहिए, मेरा असिस्टेंट आपको अच्छा कोई कॉल बनेगा तो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, उनके ऊपर कोई दोष मत देना, ट्रेड करना है तो कीजिएगा, अदरवाइज इन 3 दिन आप सिर्फ हमारे असिस्टेंट का जो एनालिसिस है वो वॉच करते रहिए। तो आशा करूंगा कि ये जो पूरा एनालिसिस आपको सही समझ में आ रहा होगा, और ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो के ऊपर ध्यान दीजिए, मार्केट एक सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे, अदरवाइज आपको बड़ा मौका पुट साइड में मिल सकता है, बड़ा मौका पुट साइड में मिल सकता है। ओके, तो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अपना टेलीग्राम चैनल को दोस्त, अपना फ्रेंड्स सर्कल में जरूर दीजिए, ताकि कोई अगर ऑनेस्ट टेलीग्राम चैनल है, मैं कहता हूं इसके साथ आप भी अगर कहते हैं तो जरूर लिखिएगा। और आज का जो परफॉर्मेंस है हमारा, ये परफॉर्मेंस रहा है तो देख ही रहे, आपके सामने ही है पूरा परफॉर्मेंस स्टॉक का, ऑप्शन का, इस तरीके से कॉल यहाँ पे दिया जाता है। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।